सलाम वालेकुम, मैं फैसल रंजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल रंजा ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो बमा स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक तरह से इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी स्क्रीन और बाकी मीडियाज को फेसबुक पे और यूट्यूब पे, टिकटॉक पे लाइव जा सकते हैं। आप इसके अलावा किसी और सर्वर पे भी लाइव जा सकते हैं, जिसमें यूं लगेगा कि जैसे आपके पास एक तरह से टीवी चैनल है। तो ये मैंने बहुत सारी चीजें सेटिंग की हुई है। अब मैं ओबीएस स्टूडियो सॉफ्टवेयर का नाम है ओबीएस स्टूडियो। सबसे पहले अब मैं जो मेरा पहले से चीजें डाली हुई हैं वो सारी रिमूव करने लगा हूँ। तो उसमें से बहुत सारी चीजें ये देखें मैंने वैसे बनाई हुई थी, अब वो सारी चीजें मैं रिमूव कर दूंगा। दो चीजें मुझे रखनी पड़ेंगी जिनमें मेरा ये वाला मतलब फोटो वीडियो जो मेरी आ रही है आपके पास, और इसके अलावा ये हमारा कैप्चर स्क्रीन कैप्चर होगा। इसका साइज वगैरह हम आसानी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैंने क्योंकि आगे आपको काफी सारी चीजें बतानी है इसके लिए यही है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आएंगे वीडियो कैप्चर। अब ये डिस्प्ले कैप्चर का मतलब है जो आपकी स्क्रीन है, आप यहाँ से देखें सोर्स का यहाँ पे कॉलम होगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मुझे यहाँ चाहिए और इसको मुझे इस तरह से चाहिए। इसमें एक और चीज़ वॉल्यूम वगैरह था वो मेरा भाग गया है, तो मैं इसको कस्टम सेटिंग कर सकते हैं, आपको इशू नहीं है। तो ये मेरा वॉल्यूम और ये मेरा कैप्चर है। अब इस वॉल्यूम को उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, जबकि ये मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इन चीजों की, ना ही इस वॉल्यूम की ज्यादा होती है, ज्यादा हमें इन चीजों की जरूरत है। इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने OBS स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा वीडियो में। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ से डिस्प्ले कैप्चर एड कर देना है और इसका नाम रख लेना है कैप्चर, या जो भी डिस्प्ले कैप्चर आप रखना चाहें ये आप इस तरह से एड कर लेंगे। डिस्प्ले कैप्चर आ जाएगा। तो अब ये कैप्चर टू हमारा ऐड होने जा रहा है। अब मैंने तो पहले कर रखा है, लिहाजा आपने ओके कर देना है, आपका कैप्चर इस तरह से आ जाएगा। रिमूव। तो उसके बाद ये हमारी जो वीडियो है ये कैसे आनी है, ये यहीं से आपने सोर्स के कॉलम में जाके यहाँ से आपने जाना है। हमारा यूं समझें कि विंडो कैप्चर हो रही है और ये वीडियो कैप्चर, ये वीडियो कैप्चर का जो ऑप्शन होता है ये हमारे उसके लिए इस चीज के लिए होता है। ये दो चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी बस यही दो चीजें, मतलब आपकी स्क्रीन और आपकी फोटो फेसबुक पे लाइव जाए और यहाँ पे आप अपने गाने या जो भी आपका सीन है वो आप कर सकें, या लाइव ट्यूटोरियल, दूसरे मजे की बात ओबीएस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इस टाइम फिल वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी मैं ओबीएस स्टूडियो में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मेरा कैप्चर मेरी मर्जी के मुताबिक और मेरी स्क्रीन मेरी मर्जी के मुताबिक ऐड हो रही है। इसमें बाकी मीडिया वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही बताना चाहूंगा ओबीएस स्टूडियो। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने लाइव कैसे जाना है। मैं तजर्बाती तौर पर पहले भी लाइव थोड़ी देर पहले गया था, तो अब यहाँ से हम बैक जाएंगे, होम पे जाएंगे, होम से यहाँ लाइव वीडियो फेसबुक का ऑप्शन आएगा, फेसबुक के ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ से गो लाइव के ऑप्शन पे जाएंगे। ये मैं स्क्रीन कैप्चर या आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से बता रहा हूँ, तो आपने यहाँ से जाना है। इसके अलावा ये देखें, ये वेलकम एड स्क्रीन गो लाइव आ जाएगा हमारा। गो लाइव में जाने के बाद अब हमने अपना जो सॉफ्टवेयर है ओबीएस स्टूडियो उसकी और फेसबुक के साथ मतलब हेलो हाय करवानी है ना। तो उसके लिए हमें बेसिकली किसी भी तरह की स्ट्रीमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन पे हमारा होता है स्ट्रीमिंग की, जो भी मतलब वीडियो प्लेयर प्रोवाइडर सर्वर होते हैं वो हमें प्रोग्राम करते हैं। इनमें यूट्यूब, टिकटॉक, डेली मोशन में सारी चीजें शामिल है। तो यहाँ से मैंने स्ट्रीम की कॉपी की, ओबीएस स्टूडियो में गया। अब यहाँ पे हमें इस चीज की सेटिंग करनी होगी। बहुत ही आसान सेटिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। ये वैसे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बहुत नॉलेज इंशाल्लाह फ्यूचर में दूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी बेसिक यही है कि हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे यहाँ से स्ट्रीमिंग में जाएंगे और यहाँ से आपका ये कस्टम होगा। जब आप शुरू में यहाँ से करेंगे तो ये आपका कस्टम होगा। कस्टम हो जाने के बाद आप ये देखें, आपने इसको कस्टम ही रखना है और यहाँ से ये ऐसे आपका खाली होगा। आपने यहाँ से कॉपी की हुई स्ट्रीमिंग की यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब आपका जो सर्वर है वो भी खाली होगा यहाँ पे बेसिकली।
तो सर्वर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम वहीं फेसबुक में आएंगे और यहां से एडवांस सेटिंग में जाएंगे। यहां पे सर्वर यूआरएल नाम का लिंक जारी बात है मौजूद है, अभी हमने यहां से कॉपी किया और इसको सर्वर दे दिया। अब हम बता रहे हैं कि हम फेसबुक की तरफ से लाइव जाने वाले हैं और ये हमारी वहां पे चाबी है जिसके थ्रू हम वहां से दाखिल हो सकते हैं। हमारा गेटवे की चाबी, उसे हम कहते हैं गेटवे स्ट्रीमिंग की। यहां से हम इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अगर यहां से मैं इस तरह से स्टार्ट स्ट्रीमिंग करता हूं, यहां से अगर मैं फर्स्ट में स्टार्ट स्ट्रीमिंग करता हूं, मैं क्योंकि ये वीडियो साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां से ये वीडियो स्टार्ट हो रही है मेरी, यहां से मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से हमारी जो है मतलब लाइव जा रहे हैं हम, स्ट्रीमिंग हमारी स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए आप ये देखेंगे कि हमने यहाँ से क्योंकि स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दिया है तो हमारा भी यहाँ लाइव का बटन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से इस जगह पे हमारा ये लाइव का बटन एक्टिव हो गया, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से जो वहां से जो डाटा है यहाँ आना शुरू हो गया है। फॉर यूट्यूब मैंने यहाँ पे वैसे सर्चरी लिख दिया, अब हम यहाँ से गो लाइव जाएंगे तो हमारा ये जो सिस्टम है यहाँ से ये लाइव चला जाएगा। अब हम फेसबुक पे अपनी स्क्रीन और अपना ये जो डाटा है, इस स्क्रीन में हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी काम, कुछ भी शामिल है, वो सब कुछ बमा जो आप देख रहे हैं यही सब कुछ अब फेसबुक पे लाइव जा रहा है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये फेसबुक हमारा उसी हिसाब से लाइव जा रहा है जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये सारा कुछ। तो ये है हमारा OBS की बेसिक सेटिंग। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे ये ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन है, ऑडियो मिक्सर का ये प्लेटफॉर्म है, मतलब कॉलम है। यहाँ से हम इस मतलब चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो कैप्चर की तरफ से जो सिस्टम की ऑडियो होती है उसमें हम उसे डेस्कटॉप ऑडियो कहते हैं, तो ये इनपुट ऑडियो, आप अलग से माइक भी लगा सकते हैं, इनपुट लगा सकते हैं और मीडिया सोर्स लगा के भी आप अपना अलग से कैमरा लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही बेसिक, जिसमें हमने सिर्फ आपको ये बताया कि आप कैसे OBS स्टूडियो को का इस्तेमाल करके एक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी सारा कुछ कर सकते हैं। मजीद सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो सेटिंग में हमें आउटपुट का ऑप्शन आता है। आउटपुट में आप ये देखें, ये सारी सेटिंग है, ये बेसिकली आपने डिफॉल्ट रहने देनी है, इसमें ज़बरदस्त कोई इतना इशू नहीं है। ये जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, अब रिकॉर्डिंग यहाँ से हम शो रिकॉर्डिंग करके बाद में आपके सी फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। मजीद ऐसी वीडियोस, अब इसमें हम गाने वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, हम गाने नाते सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन YouTube पॉलिसी के मुताबिक ऑडियो जारी बात है उन्होंने पकड़ लेनी है तो यहाँ पे नहीं चला सकते। Facebook पे, TikTok पे, आप बाकी चीज़ों पे या अपनी जो बनाई हुई वीडियोस होंगी या आपका जो अपना कंटेंट होगा वो आप आसानी अपलोड कर सकेंगे। OBS स्टूडियो नाम है सॉफ्टवेयर का, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। आज मैंने इसकी बेसिक एपिसोड 1 बनाई है, फ्यूचर में हम इसकी एपिसोड 2 में बाकी बेसिक चीजें या थोड़ा बेहतर चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, जिनमें गहरी बात है कुछ और चीजें शामिल होंगी, जैसे यहाँ पे हम कुछ लोगो वगैरह ऐड करेंगे, यहाँ पे लाइव का बटन ऐड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक पट्टी चलाएंगे, टाइम लेके आएंगे, डेट लेके आएंगे, लोगो लेके आएंगे। और नेक्स्ट में मैं इसको यूट्यूब पे लाइव जाने का आपको तरीका बताऊंगा कि आप इससे किस तरह यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं और वहां से बहुत जल्दी जो आपका वॉच टाइम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह और बहुत सारी चीजें, कॉपीराइट्स, बगैर कॉपीराइट्स, ऑडियो वीडियो, इसमें अडोब प्रीमियर भी हमारा शामिल है, ग्राफिक्स है, बहुत कुछ है इंशाल्लाह आपके लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि हमारी इस कोशिश से आपका कुछ फायदा हुआ है या आपके किसी और भाई का फायदा होने जा रहा है तो वीडियो उन तक शेयर करें हमारे और हमें सब्सक्राइब करें। मेहरबानी।